हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही खूबसूरत गार्डन दिखाएंगे और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, उनको हम आज कटिंग करेंगे। वो साल में एक बार कटिंग करना चाहिए और कटिंग हम हर साल करते हैं। और सो गाइस, ये आप देख सकते हैं गुलाब का पौधा, ये देखिए, ये गुलाब का पौधा है, गुलाब का प्लांट। ये हम थर्मोकोल के बॉक्स में हम लगाते हैं। थर्मोकोल के बॉक्स में किस तरह से लगाते हैं और कैसे लगाना चाहिए, वो सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो इसको जो है साल में एक बार कटिंग करना चाहिए गुलाब का पौधा को। और उसके बाद जो है ये थर्मोकोल के बॉक्स में जो हम लगाते हैं उसमें सबसे पहले हम देते हैं हाफ इंच बालू, यानी हाफ इंच बालू देने के बाद जो है, और उसके बाद जो है गोबर और मिट्टी मिक्स करके हम लगाते हैं। सो गाइस, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से पूरा गार्डनिंग करते हैं ये थर्मोकोल के बॉक्स में। और इसको जो साल में एक बार कटिंग करना चाहिए सितंबर माह में, सितंबर अक्टूबर में आप कटिंग कर सकते हैं इनको। तो इससे क्या होता है कि गुलाब का साइज़ जो होता है फूल का वो बढ़ जाता है। तो अगर नहीं कटिंग करते हैं तो साइज़ जो है छोटा होते चले जाएगा वो। और सो गाइस, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से हम गार्डनिंग करते हैं। तो इनको हम अभी कटिंग करेंगे और ये देखिए हम इसको कटिंग कर रहे हैं, छोटा छोटा कटिंग करके इसको जो है हटा देना है इनको। ये पूरा जो है पूरा कटिंग कर देना है इससे, पूरा हम इनको कटिंग कर रहे हैं और गुलाब का साइज। और उसके बाद जो है मिट्टी जो है इसमें मिट्टी भी चेंज करेंगे, हाफ बॉक्स से निकाल के उसके बाद गोबर और मिट्टी मिक्स करके फिर से हम लगाएंगे इसको। कटिंग कर चुके हैं, ये देखिए हम पूरा कटिंग कर चुके हैं, देख सकते हैं। तो पूरा हम कटिंग कर दिए, ये देखिए पूरा निकाल चुके हैं। और इसमें जो है क्या करना है, इससे जो है हाफ, इससे मिट्टी जो है इसको हम पूरा मिट्टी, ये देखिए ये मिट्टी है, इनको आधा यहाँ से जो है आधा मिट्टी हम इससे निकालेंगे। मिट्टी निकालने के बाद जो है इसमें गोबर और जो है इसमें मिक्स करके फिर से इसमें दे देंगे हम, ताकि इसका जो है ग्रो पौधा हो और इसका जो है फूल जो है उसमें काफ़ी बड़ा होगा, साइज भी बढ़ जाएगा। तो इसमें साल में एक बार जो है गुलाब का कटिंग करना चाहिए। और ये बहुत सारा पौधा है हमारे पास, उनको भी हम अभी कटिंग करेंगे। ये देखिए ये सारा पौधा जो है अभी कटिंग करना है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साल में एक बार गुलाब को कटिंग करना चाहिए, इससे क्या होता है फ्लावर्स बढ़ जाता है और फूल का साइज भी बढ़ जाता है, इसलिए इसको कटिंग करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा कटिंग कर चुके हैं,
ये देखिए पूरा हम कटिंग कर चुके हैं और साल में एक बार इसको कटिंग करना चाहिए। कटिंग करने से क्या होता है कि फ्लावर्स इसमें साइज बढ़ जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारा है, उनको भी हम निकाल के दिखा रहे हैं। ये देखिए सारा कटिंग करना है। इसमें कांटा बहुत होता है, इसको सावधानी से कटिंग करना है। देखिए पूरा हम कटिंग कर चुके हैं कितना खूबसूरत तरीके से। और भी है मेरे पास लगभग 6-7 कलर का है, सारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इनको भी हम जो है अभी कटिंग करना है। ये देखिए हम सारा पौधा को कटिंग कर रहे हैं, इसको साल में एक बार कटिंग करना है। अगर आप गुलाब का शौक रखते हैं तो जरूर अपना गार्डन में लगाएं। सारा जो है कटिंग कर चुके हैं। और भी मेरे पास बॉक्स है, उसमें भी है, वो सारा कटिंग करना है। साल में एक बार कटिंग करना है और फ्लोरिंग का जो है उसके बाद जो है इसमें नीम की खली देना है, सरसों की खली देना है। ये सारा चीज़ देके उसके बाद फिर से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि न्यू वीडियो लाके आपको दिखाते हैं, जानकारी देने की कोशिश करते हैं। पूरा हम कटिंग कर चुके हैं। पूरा हम कटिंग कर दिए। ये देखिए कितना खूबसूरत गार्डन करते हैं। ये देखिए इसके नीचे से एक जो है साइड से जो निकलता है इसका, तो उनको कटिंग कर देना है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग नहीं होगा। ये देख रहे हैं इसमें फूल कभी नहीं होगा, ये जंगल हो गया। ये अलग किस्म का जो है, अलग से साइड से निकलता है, उसमें कभी फूल होगा ही नहीं, वो बढ़ते चले जाएगा साइड।
टायर से इस तरह से निकाल देना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताओ। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं कितना खूबसूरत तरीके से हम बताते ही सारा जानकारी देते ही हैं हर वीडियो के माध्यम से। ये देखिए हम और भी प्लांट है मेरे पास, ये भी हम लेके आ गए। देखिए कितना बड़ा हो चुका है, इसको जो है कटिंग कर देना है। सारा गुलाब ही है, ये रेड कलर का है। ये देखिए कटिंग कर चुके हैं, कितना बड़ा हो चुका है, इनको भी कटिंग कर देना है यहाँ से। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा पौधा हम निकाल चुके हैं, कटिंग कर चुके हैं। ये देखिए साइज जो है इनका छोटा हो चुका था बहुत। ये देखिए पूरा हम कटिंग कर चुके हैं। तो गाइस साल में एक बार अगर गुलाब लगाते हैं, पौधा कर लगाते हैं तो साल में एक बार जरूर कटिंग करें इसको। ये देखिए हम पूरा ऐसे जो है कटिंग कर चुके हैं। अब इसमें करना क्या है, इसके जो है हाफ आधा जो है इसे मिट्टी निकाल देना है। मिट्टी निकालने के बाद जो है उसके बाद गोबर मिक्स करके इनको फिर से आप लगा देंगे तो अच्छा खासा ऐसे ग्रो होगा पौधा। और इसमें जो है फूल भी बहुत खूबसूरत होगा और साइज बढ़ जाएगा उसका। ये देखिए इनको भी हम पूरा पौधा को जो है कटिंग कर चुके हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत फूल होता है इसमें। ये देखिए कितना फूल भी आया हुआ था इसमें, इनको हम सारा जो है कटिंग कर चुके हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत फूल होता है इसमें। ये देखिए कितना खूबसूरत फूल होता है इसमें। इनको भी जो हम पूरा कटिंग किए हैं क्योंकि साल में एक बार इसको कटिंग करना पड़ता है। इसका साइज़ देखिए, ये देखिए ये कितना खूबसूरत फूल हुआ है। ये भी फूल हो रहा था, ये देखिए। तो इनको हम जो है कटिंग किए, बहुत काफ़ी बड़ा पौधा हो चुका था। ये देखिए, ये देखिए और कटिंग किए हैं इसको, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इनसे हम कटिंग किए हैं। ये देखिए इनको कटिंग कर दिए हैं कितना खूबसूरत तरीके से। सो गाइस साल में एक बार कटिंग करना है इसे। ये देखिए है ना, अभी जस्ट काटे हैं, कटिंग करना है। ये देखिए साल में एक बार जरूर कटिंग करें। सो गाइस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।